ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा विजन 2026 एवं वाटर फॉर लाइफ प्रोजेक्ट 2020 के तहत सार्वजनिक जगहों पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में बस स्टैंड चरोदा एवं चरोदा बस्ती में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पानी टंकियां लगाई गई, जिसका विधिवत उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के क्षेत्र में ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन सामाजिक संस्था अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। आमजनों को शुद्ध पीने का पानी मिल सके, इसके लिए गरीब बस्ती में जाकर पानी की टंकियां लगवाई जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को संस्था द्वारा चरोदा बस स्टैंड और चरोदा बस्ती में पानी टंकी लगाकर वहां के रहवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की कवायद की गई। इस संस्था के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी गरीब और अनाथ बच्चों को शिक्षित कर पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारियां उठाई जा रही है। वहीं व्यवसाय करने वाले लोगों को बिना ब्याज के लोन भी प्रदान किया जाता रहा है। साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी संस्था द्वारा निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इसे लेकर संस्था के छत्तीसगढ़ सचिव शब्बीर खान ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये इस प्रोजेक्ट का, चूँकि ये पानी के लिए हम जो प्रोजेक्ट चलाते हैं कि लोगों को जो है स्वच्छ पानी मिल सके, इसी का आज ये टंकी का उद्घाटन था। जैसा कि आप जानते हैं, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन जो है 2009 से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है। 13-14 साल लगभग हो गए हैं समाज सेवा करते हुए। हम जो है शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और दूसरे जो है लोगों के रोजगार के लिए भी हम जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काम करते हैं, जिसमें हम बिना ब्याज के जो है उन्हें लोन देते हैं। इस तरह से हम जो है इस NGO के थ्रू काम करते हैं। जैसा कि समाज सेवा के क्षेत्र में इस तरह की टंकी लगाकर लगभग 160 टंकी अब तक हम लगा चुके हैं, जो गरीब बस्तियों में जो है पानी जो है की सुविधा उन्हें उपलब्ध करा सकें। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में, अगर शिक्षा अगर हमारे पास नहीं होगी, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग अगर अशिक्षित रह जाएंगे तो देश के विकास में वो सहयोग नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाया जाए और जो है उनको स्कॉलरशिप वगैरह दी जाए। खासतौर से समाज का सबसे कमज़ोर तबका जो होता है, अनाथ जो बच्चे होते हैं, यतीम जो बच्चे होते हैं, उनको जो है हमारी NGO स्कॉलरशिप देती है ताकि वो जो है इसमें आगे बढ़ सकें। इसी तरह जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज अगर किसी तरह की अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो बहुत परेशान हो जाता है और उसकी पूरी घर संपत्ति सब कुछ बिक जाता है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है उनको सस्ती इस तरह के स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध करा सकें। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एक सस्ता हॉस्पिटल भी जो है बहुत जल्द इसकी शुरुआत हो, ताकि लोगों का स्वास्थ्य के लिए भी हम कुछ कर सकें। धन्यवाद। बहरहाल ये संस्था विगत 2009 से लगातार सामाजिक क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। अब तक 160 जगहों पर पानी की टंकियां लगाकर शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध कराया गया है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रयास जहां किए गए हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।